जरी और जफाकश पश्तूनों की सरजमीन वजीरिस्तान गुज़श्ता चार दहाइयों से आग और खून से रंगीन थी। हजारहा लोगों की कुर्बानी देने के बाद अब एक नई नस्ल कारजारे हयात में उतर रही है, जो विरसे में मिली जंगो जदल से आजिज आ चुकी है। जदीद दौर में आंख खोलने वाली ये नस्ल अब सितारों पर कमन डालने की ख्वाहिश ही नहीं बल्कि इसका हौसला और सलाहियत भी रखती है। वो ना तो मजहबी जज्बात की रौ में बहकने को तैयार हैं और ना ही इलाकाइयत या लिसानियत के सतही नारों से मुतासर हैं। वजीरिस्तान के कबायली अवाम अब किसी बैरूनी कुव्वत, ग्रोह या नजरिए का आलाकार बनने के बजाय सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब कबायली इलाकों में अमन लौट आया है। वजीरिस्तान की अवाम अब खुशहाल और पुरअमन जिंदगी गुजार रही है। हमें रोजगार मुयसर है। तकरीबन सभी लोग अपने घरों को लौट आए हैं और यहाँ अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में भी रौनकें लौट आई हैं। वजीरिस्तान की वादियाँ कहीं संगलाख बे आबो गया तो कहीं खूबसूरत वादियों का मस्कन, कहीं फूलों से लदे बागात हैं तो कहीं हसीन जंगलात और कहीं महज चटाने। रोजी रोटी कमाने के लिए कबायली आवाम अपना खून पसीना एक करें तब मुश्किल जिंदगी की डोर सुलझती है। लेकिन पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी यहाँ बहुत से लोगों के जीने का सामान है। अफगानिस्तान में बेपनाह फ्रूट पैदा होता है, जो फल बड़ी अच्छी क्वालिटी का वो पाकिस्तान बहुत आता था, ना आए तो वो फल ख़राब होना शुरू होगा। और पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जिसमें कि यूरिया खाद बहुत जाती थी वहाँ पे फसलों के लिए, उनके बागात के लिए। पाक अफगान बॉर्डर के दोनों जानिब एक ही रंग, नस्ल, कौम और मजहब से ताल्लुक रखने वाले पश्तून सदियों से रिश्तेदारियाँ रखते हैं। बल्कि बिला खौफ व खतर रोजमर्रा का कारोबार भी करते हैं। बदमनी के बायस गुज़श्ता कई दहाइयों से कारोबार और आमदोरफ्त में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताहम जैसे जैसे अमन आ रहा है तो कारोबार और आमदोरफ्त भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ 2010 से पहले ट्रेड थी वो ATTA कहलाती थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, और ये उस इंटरनेशनल लॉ के तहत था जिसके मुताबिक पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो जिसके साथ लैंडलॉक कंट्री है वो पाबंद था कि वो उस लैंडलॉक कंट्री को अपने दरमियान से रास्ता दे ताकि वो दुनिया के साथ ट्रेड कर सके। पाक अफगान तिजारत चार अहम मुकामात से होती है, जिनमें तोरखम, चमन, अंगूर अड्डा और गुलाम खान शामिल हैं। इन टर्मिनल्स में सालाना 1.2 बिलियन डॉलर की दो तरफा तिजारत होती है। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में गुलाम खान और अंगूर अड्डा टर्मिनल्स हैं, जहां रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान लेकर आती जाती हैं। इंपोर्ट यहां पर आजकल हो रही है, आजकल तो कम हो रही है, इससे पहले सीजन था अंगूर आ रहा है, फ्रेश फ्रूट जितना है वो आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट में ये मिसलिनियस गुड्स, राइस, चावल और मजीद आटा और फ्रेश वेजिटेबल यहाँ से भी जाती है दोनों। माजी में हुकूमत की नाकस पॉलिसीज, बैरूनी ताकतों की मौजूदगी और शरपसंद अनासर की वजह से ये सरहदी इलाके जंग की जद में रहे, जिससे पाक अफगान तिजारत मुतासर रही। 2010 के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो नया एग्रीमेंट किया उसका नाम था APTA, यानी अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। उसके तहत हमने ये डिसाइड किया था कि 5 साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड में इजाफा भी करना है, और जो ट्रेड आइटम्स की लिस्ट थी वो हमने चेंज कर दी थी। मसलन आज से कोई 5 साल पहले ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड का लेवल जो है हमने बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाना है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 सालों में उसका लेवल कम हुआ है और पाकिस्तान का जो 2.4 बिलियन डॉलर के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट 1.2 बिलियन डॉलर रह गई है, आधी हो गई है तकरीबन। गुज़श्ता चंद सालों में तजारत का तनासब कम हुआ है, लेकिन दरामदात में 34% इजाफा हुआ है। अदादो शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान की गजाई जरूरियात का इन्हिसार पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कबायली इलाकों,
बशमूल वजीरिस्तान के लिए गजाई अशिया की तिजारत के बहुत बड़े मौके पैदा हो चुके हैं। हर चीज खाने पीने की अशिया, गंदम यहाँ से जाती है, चावल यहाँ से जाता है, वो बाहर सूरत उनको लेना होगा तो यहाँ से लेंगे, लेकिन जब सरहदें हम बंद कर देते हैं या अगर सरहदों पे जंग शुरू हो जाती है तो इन हालात में फिर ये सरहदी इलाकों की तिजारत खास तौर पे बहुत ज्यादा खराब होती है। तिजारत में तरक्की का इन्हिसार न सिर्फ अमन और अमान की सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर होता है बल्कि मुकामी ताजर और कारोबारी एजेंट्स भी अपना मुकाम रखते हैं, जिनको बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनके मसाइल को बर वक्त हल करना दोनों ममालिक के मुफाद में है। हमारे एजेंट हजरात के लिए बैंक का बहुत बड़ा मसला है। बैंक यहाँ इधर शिफ्ट हो जाए टर्मिनल में तो कम से कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ड्यूटी टैक्सेस जमा करने में आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है हमारे, तो कोई बात नहीं कर सकता। और अमन यहाँ आर्मी और FC की वजह से बहुत अमन अभी कायम है माशाल्लाह। ट्रेड भी पहले तो बंद था, अभी माशाल्लाह ट्रेड भी शुरू है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। वजीरिस्तान की मुकामी पैदावार और गजाई अशिया के साथ साथ पाकिस्तान से आने वाला तामीराती सामान भी अफगानिस्तान को बरामद किया जाता है, जिससे दोनों जानिब हजारों लोगों के रोजगार वाबस्ता है, जबकि लाखों खानदान इस तजारत से मुस्तफीद होते हैं। मैं साबिरुल्लाह खान कह रहा हूँ, एक्सपोर्टर फॉर अफगानिस्तान। इधर से हम माल लेके जाते हैं उधर अफगानिस्तान। ये राइस और चोकर, आटा, सीमेंट वगैरह ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब सफर आरामदेह हो गया है, हमें दोनों अतराज से अब किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि अब तजारत में इजाफा हो गया है, क्योंकि पहले हम पाकिस्तान से खाली ट्रक लेकर जाते थे, अब वापस लोड होकर जाते हैं। सैकड़ों साल से जारी पाक अफगान तिजारत बतदरीज कवायद व जवाबत के तजारती उसूलों के मातहत हो रही है, जिसके बायस बहुत से तकनीकी मसाइल पैदा हुए हैं जिन्हें हल करना वजीरिस्तान के ताजरों का एक अहम मुतालबा है, ताकि इस तजारत के हुजम को मतलूबा मायार तक बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, बैंक मसाइल हमें यहाँ पर बैंक का बहुत बड़ा मसला दरपेश है। हमें टैक्स जमा करने के लिए कई घंटे सफर करके मीरान शाह जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं जब तक के मुतल्लिका ऑफिसर टैक्स क्लियरेंस ना दे दे। गाड़ी वाड़ी मुश्किल। अगर दो तरफा तिजारत इसी तरह जारी रहे जैसे गुज़श्ता अरसे में देखी जा रही है तो ये तवक्को है कि इस तिजारत में कई गुना इजाफा हो सकता है, बल्कि वजीरिस्तान के अवाम की मुआशी हालत में भी मजीद बेहतरी आ सकती है। दोनों मुल्कों में जो ट्रेड चलाना या इसका बहाल होना, इसका पूरे जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके तहत ये चलना, ये दोनों मुल्कों के मुफाद में है और खित्ते के अमन के लिए भी ये ज़रूरी है। इस वजह से कि जो तिजारत है ये लोगों को जंग और दूसरी चीज़ों से माने रखती है, क्योंकि उनके माली मफादात इसमें होते हैं। उनको पता होता है कि अगर जंग छिड़ गई या अगर हालात ख़राब हो गए तो ये हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये तिजारत दोनों मुल्कों के दरमियान जारी रहनी चाहिए। पाक अफगान तिजारत से न सिर्फ दोनों ममालिक की सरहदों पर अमन कायम रहेगा बल्कि इन इलाकों से वाबस्ता लोगों की माली हालत भी बेहतर हो सकेगी। इन रास्तों के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान में सरमायाकारी कर सकेगा बल्कि वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत को भी फरोग, यानी CPAC की राह इसी अम्र में पिन्हा है कि पाक अफगान सरहदों पर पुरअमन तिजारत में फरोग हासिल होता रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का अमन दोनों मुल्कों के बिरादराना बाहमी ताल्लुकात के बगैर मुमकिन नहीं।